Good morning, dear friends and brothers and sisters who are uh, listeners and uh, joining uh, this morning to be silent in the presence of God. It is good that before we face the world and before we go uh, to any other activities, और कितना भला और अच्छी ये बात है कि जब हम संसार का कर सामना करने से पहले हम शांत होकर सुबह सुबह परमेश्वर के वचन और उसकी वाणी से सुनते हैं uh, today's meditation is taken और आज का जो हमारा मनन है है उसे हमने लिया उसका तीसरा अध्याय पहले वचन से लेकर के बारहवें वचन तक जो कि बात करता है बपतिस्मा देने वाले के जीवन और उसके संदेश के And according to Jesus, John the Baptist was the greatest man. बोर्न इन दिस प्लानट अर्थ बोर्न ऑफ वुमेन और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार यह बपतिस्मा देने वाला इस पृथ्वी ग्रह पर मनुष्यों में जिसने एक स्त्री से जन्म पाया उस सबसे महान था नॉट ओनली ही वॉज द ग्रेटेस्ट मैन एवर लिव्ड और ना केवल वो सबसे महान मनुष्य था जो कभी जिया इस पृथ्वी पर ही वॉज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ द गॉस्पल लेकिन वो सबसे महान प्रचारकों में से भी एक था According to Matthew chapter three verse five. और मतीरा चिस्सु समाचार उसका तीसरा अध्याय पांचवें वचन के अनुसार. And let us read this passage. और आइए इस वचन को हम पढ़ें. It's a where verse five says, people Went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. तब यरुशलेम और सारे यहूदिया और यर्दन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आएट और ये दिखाता है कि कितना प्रसिद्ध देने वाला। and how and he was in his और कितना प्रसिद्ध और जाना माना अपने प्रचार में वो लोगों के बीच में था अनुज ग्रेटेस्ट प्रीचर और ये तो सच था कि वो सबसे महान प्रचारकों में से एक था

और उसके सुसमाचार प्रचार की सेवकाई ने चारों ओर से लोगों को अपनी ओर खींचा एंड सो वॉट वेशल अबाउट हिस्स प्रीचिंग तो क्या खास था उसके संदेश के हिस प्रीचिंग द कंटेंट ऑफ हिस प्रीचिंग इंक्लूड्स एक्सैक्टली हाउ गाड जो परमेश्वर अपने हर एक सेवक और सुसमाचार प्रचारक से चाहता है कि वो वैसे ही प्रचार करे I would like to with you on four things about his preaching. और मैं मनन करना चाहूँगा आपके साथ चार वो बातें जो युना बपतिस्मा देने वाले के संदेश के बारे में टुडे वी लुक इनटू टू ऑफ और आज के दिन हम उन दो बातों के ऊपर देखेंगे एंड देन ऑन थर्सडे वी विल कंसल द अदर टू और अगले और आने वाले बृहस्पतिवार को हम आगे की दो बातों के ऊपर अपने अध्ययन को रखेंगे सो नंबर 1 पहली वो बात जॉन द बैप्टिस्ट स्पोक प्लेनली अबाउट सेन देने वाले ने बड़ी साधारण और स्पष्ट रीति से सिर्फ पाप का संदेश he, या पाप के बारे में बोला फॉर पीपल टू रिपेंड और उसने इस बात का प्रचार किया शिक्षा दी कि ये बहुत ही आवश्यक है लोगों के लिए कि वे मन फिर ताकि वो बचा लिए जाए and this repentance must be proved by the fruit that uh, such people brings forth uh, like a tree All uh, can be recognized by इट्स फ्रूट और ये मन फिराना उनके जीवनों का दिखना चाहिए उनके जीवनों से जो फल प्रकट होते हैं उनके द्वारा जैसे एक वृक्ष या पेड़ में जो फलवंत होता है फल आते हैं उसी प्रकार से एक मनुष्य जो फलवंत होता है उसके जीवनों में भी फल आएंगे दिस ट्री इज गुड और बैड कैसे हम बोलेंगे कि ये वृक्ष अच्छा है या बुरा है बाई लुकिंग एंड कंसिडरिंग द फ्रूट हम उसके फलों की ओर देखेंगे इफ दी इज गुड इट इज गुड फ्रूट और अगर वो वृक्ष अच्छा है उसके फल भी अच्छे होंगे। और अगर वो वृक्ष बेकार है खराब है तो खराब फल ही आएंगे और इसी प्रकार से हम पहचानते हैं कि कोई भी वृक्ष अच्छा है या बुरा है यू नो my friends, दिस इज वन मैसेज वी ऑल नीड today। और मेरे मित्रों ये एक ऐसा संदेश है जिसकी जरूरत हम सबको आज के दिन है This message. और पापियों को इस संदेश को सुनने की आवश्यकता है अब चर्च और नीड टू हियर। और कलीसिया को भी सुनना है बिकॉज सिन एक्सिस इवन इन चर्च एंड टूडे इट इज मोर और क्योंकि पाप कलिसिया में भी पाया जाता है और इन दिनों में कलिसिया में कहीं ज्यादा रीति से पाया जाता लेकिन हमने तो उस पाप को कलिसिया में किसी रीति से हल्की रीति से उसके प्रति व्यवहार करना या उसे सहना सीख लिया है ताकि उन लोगों को ठेस ना पहुंचाए

बहुत भली है लेकिन हम फिर भी उन्हें नहीं करते इन बातों को जब हम नहीं करते ये हमारे जीवनों में पाप गिना जाए मेम्बर्स ऑफ द चर्च Including leaders have invented words to soothe the people who sin in our लीडर्स और हम जो कलीसिया के अगवे हैं हमने ऐसे प्रकार के शब्दों का आविष्कार कर लिया है जिनके द्वारा प्रचार करने के द्वारा ऐसे शब्दों से लोगों को ठेसना पहुँचे। What are these words we use? और कौन से ये शब्द हैं, जिनका प्रयोग हम करते हैं do not use the word sin. और हम पाप शब्द का प्रयोग ही नहीं करते वी से ओ इट्स जस्ट अ वीकनेस और हम कहते हैं अरे ये तो सिर्फ एक कमजोरी है और इट्स और या एक ये कुछ निर्फलता है अरे oh, उसने तो एक गलती कर दी और गलती तो कोई भी कर सकता है well, my question is, और इसलिए मेरा सवाल ये है When द बाइबल कॉल्स इट सेन जब वचन पवित्र शास्त्र उस बात को पाप कहता है हु आर to change and एंड the word sin with something milder, something which doesn't sound like all that serious. तो कौन है आप और कौन हूँ मैं जो उस परमेश्वर के वचन को बदलकर उसे अच्छा या सुनने में अच्छा दिखने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। My friends, when we do that, that itself will become another sin. और मेरे मित्रों जब हम ऐसा करते हैं तो ये बात भी एक दूसरा पाप बन जाएगी एंड जॉन द बैप्टिस्ट डिट नॉट मीन वर्ल्ड और इसलिए युना बपतिस्मा देने वालों ने देने वाले ने शब्दों को मिश्रित नहीं किया He called sin, sin. और उसने पाप को पाप कहकर बुलाया लाइंग और झूठ इज इट ये क्या है इट इज नॉट वीकनेस ये कोई कमजोरी नहीं इट इट इज इज ये तो एक पाप है एंड इट इज सच ए सीरियस इनहेरिट द किंगडम और ये इतना गंभीर बात है या पाप है कि ये ने कहा कि झूठे कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे और एनीथिंग एल्स लाइक दैट और ऐसी This, कोई भी बात जो इसके समान हो जेलसी या जलन प्राइड या घमंड दिस आर नॉट वीकनेसेस ये कोई कमजोरिया नहीं दिस सारी बातें गंभीर पाप हैं। We need to learn to uh, to call axe an axe। और हमें इसलिए एक कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी ही कहकर बुलाना। Nothing else। कुछ और नहीं। A axe is not a knife। और याद रखिए कुल्हाड़ी चाकू नहीं है। And you remember this। और इस बात को याद रखें। Jealousy is a sin। जलन एक पाप है। And False testimony is a sin. और गलत गवाही देना भी एक पाप है Exaggeration is a sin. और चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताना भी Let us not substitute the word. और आइए हम शब्दों का मिश्रण या उसमें समझौता sin sin and we need to learn to treat टू sin as sin. और पाप तो पापी है और हमें सीखना है कि पाप के संग पाप कैसे व्यवहार करें Hiding anything from God. परमेश्वर से किन बातों को छुपाना और from others. या दूसरों ऐसी You know, you may be able to hide from others, but not from God. और हो सकता है आप दूसरों से छुपा लें, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। It is all sin. ये सब पाप है। John the Baptist, that's what he said. और इसी बात को यहूदन बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया। He called people hypocrites. उसने लोगों को दो धारी मुख वाले कहा। Sons of vipers. और कहा तुम सांप के बच्चे। And he called them exactly what they were. और उसने वैसे ही लोगों को कहकर बुलाया जैसे वे थे अगेंस्ट और, uh, और हम आज के दिनों में बड़ी कम ही रूप से ऐसे प्रचारों को सुनते हैं जो पाप के लिए बोलते हैं और लोगों को मन फिराने के लिए उत्साहित करते हैं Why?

help. और इसलिए कलीसिया में पाप को छिपाना या पापियों को छिपाना कोई सहायता नहीं है And if we don't preach against sin and call people to repentance, we are actually deceiving people. और अगर हम पाप के विरुद्ध में प्रचार नहीं करते और उनको मन फिराने के लिए नहीं कहते तो हम लोगों को धोखा दे रहे हैं That's why John the Baptist was

John himself. और कि उसने ये प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह उससे या यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी कहीं ज़्यादा सर्वशक्तिमान है। Before Jesus और यीशु से पहले no यीशु के सामने और यीशु के पास या उसके सामने John was only an unworthy servant. वो तो सिर्फ एक आयोग्य दास के रूप में था। There are three things I want to point out. और to तीन ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं सामने रखना चाहता हूं नंबर वन पहली बात जीसस कुड विद द होली स्पिरिट यीशु मसीह ही लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे सकता था That's what Jesus said. और ये me, और यही ने ने कहा कहा कि मैं मैं तो तुम्हें पानी पानी देता देता तुम्हें लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा देगा And secondly. और दूसरी बात about Jesus. और जिसने यीशु के बारे में कहा he takes away the sin बिकॉज ही दूसरी बात उसने यशु के बारे में कही वो थी ये तो जगत के पापों को हर लेगा उन्हें अपने ऊपर लेगा तीसरी बात वन डे जीस क्राइस्ट जज दर्ल्ड एक दिन यही प्रभु यशु मसीह संसार का न्याय करेगा दीस आर द्री थिंग्स दीसस वुड डू According to John the Baptist preaching, and this is the way he introduced Jesus to the world. He is the Lamb of God. फॉर ह्यूमैनिटी और ये तो परमेश्वर का मेमना है जो मानवता के पापों को अपने ऊपर उठाएगा और ये तो पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ का बपतिस्मा देने वाला है जज ऑफ दर्ल्ड और बहुत जल्द ही ये दुबारा आएगा सबका न्याय करने के लिए द मैसेज फॉर एस इज preach क्राइस्ट and Him क्रूसीफाई और इसलिए संदेश हमारे लिए ये है कि हम प्रचार करें यीशु मसीह जो उस क्रूस पर चढ़ा दिया गया व्हाट इज ही और वो कौन है व्हाट इज ही एबल टू डू और वो क्या करने के योग्य है लेरस

नियम में कहा गया है इट इज अपॉइंटेड टू मैन वॉन्ट टू डाई एंड देन द जजमेंट कि मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया है कि उसकी मृत्यु होगी और फिर उसका न्याय होगा माई फ्रेंड्स द डे ऑफ जजमेंट इज कमिंग मेरे मित्रों वो न्याय का दिन आ रहा है टूडे द रियल क्राइस्ट ऑफ द न्यू टेस्टमेंट इज रिप्लेस्ड बाई अ क्राइस्ट हु इज स्ट्रेंजर To the genuine Christ of the New Testament. और आज के दिन में हमने नए नियम के यशु मसीह को बदल डाला है एक यश ये यशु मसीह के रूप में जिसको खुद नया नियम के लोग या नए नियम में हम नहीं पाते एंड uh, not only we do not know the what Christ truly is. और ना केवल हम सिर्फ इतना भी नहीं जानते कि सच में यीशु कौन है नॉट ओनली लव वो ना केवल प्रेम है नॉट ओनली मर्सीफुल ना केवल दयावान है एंड नॉट ओनली फोर ना केवल क्षमा करने वाला है. वाले ऑल्सो होली लेकिन वो पवित्र भी है एंड ही इज ऑल्सो राइट और वो धर्मी भी है एंड ही इज जस्ट और वो योग्य है न्याय करने वाला ही शैल जज द वर्ल्ड विद राइटनेस एंड जस्टिस और वो न्याय के साथ साथ धार्मिकता के साथ इस संसार का न्याय करेगा That is the New Testament और और यही है नए नियम का सुसमाचार। मेरे मित्रों इसे सुने। इसलिए किसी भी ऐसे प्रचार को आप ना सुने जिसमें प्रभु यीशु मसीह और उसके क्रूस की कथा ना हो डू नॉट लिसन टू एनी मैसेज विच नॉट इंक्लूड प्रीचिंग ऐसे किसी भी संदेश को ना सुने जिसमे पाप और उससे मन फिराने के बारे में प्रचार ना हो एंड गलूडमेंट दमिंग और वो पूरा सुसमाचार में हम पाते हैं उस न्याय के बारे में जो जल्द ही आने वाला है

और होने दे हम बुद्धिमान बने ताकि हम इस संदेश को ग्रहण करके इसका प्रचार करने पाए हर एक के बीच में नाउ में द ग्रेस ऑफ गॉड बी अपॉन यू होने दे परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमें से हर एक के साथ एनेबल यू टू से नो टू एनी अन और आपका सहायता करे कि आप किसी भी ऐसी बात के प्रति ना कर सके जो परमेश्वर से नहीं इन यीशु के नाम में आमेन आमेन